हेलो गाइज, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है थर्सडे, मई 31, 2018। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो क्या है। तो जो टॉपिक है वो पेपर चेस, मतलब पेपर की भागम भाग एक तरह से चल रही है। और पूरा इलेक्शन कमीशन का मामला है जो मतलब ऊपर नीचे हो रहा है वोटिंग प्रोसेस में, उसको हमें जानना है। ठीक है, तो वीवीपैट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है। वीवीपैट को मैं बता दूँ कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ईवीएम के साथ में इलेक्शन कमीशन में, जिसमें आपको स्लिप मिलती थी कि आपने कैसे वो मतलब जो वोटिंग की काउंटिंग है वो सही हो रही है कि ना, इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो द इलेक्शन कमीशन मस्ट रिव्यू, जो इलेक्शन कमीशन है मस्ट रिव्यू, उसे पुनः समीक्षा करनी चाहिए द यूज़ ऑफ पेपर ट्रेल, वही वीवीपैट के जो मशीन है उसकी फिर से उसे समीक्षा करनी चाहिए उसके प्रयोग की इन द पोलिंग प्रोसेस, मतलब पोलिंग प्रोसेस में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसे। द हाई इंसिडेंस ऑफ ग्लीचेस होता है अड़चन या त्रुटि। ठीक है, तो ये मिस्टेक जिसे हम कहते हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है, आप इस वर्ड को याद रखेंगे। द हाई इंसिडेंस ऑफ ग्लीचेस, जो अड़चन की कई सारी घटनाएं हो रही हैं इन द वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिकेशन, वोटर का वेरिफिकेशन करने वाली जो पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे हम वीवीपैट मशीन कहते हैं, उसमें कई सारी अड़चन की घटनाएं इन मंडेज बाई इलेक्शंस, मतलब सोमवार के उपचुनाव में शुड बी, होनी चाहिए अ मेजर काज ऑफ कंसर्न। मेजर काज ऑफ कंसर्न मतलब एक बड़ी चिंता का विषय फॉर द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन चुनाव आयोग के लिए ऑफ इंडिया, मतलब भारत के, मतलब भारत के चुनाव आयोग के लिए, जो वीवीपैट मशीन में सोमवार को उपचुनाव हुए थे उनमें बड़ी मात्रा में क्या हुए थे, ग्लीचेस की इंसिडेंट्स पाए गए थे, बहुत सारी अड़चनों की घटनाएं मिली थी, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए किसके लिए, ईसीआई के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ ग्लीचेस आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको शुड भी, शुड किसके लिए आया, तो शुड आपका यहाँ सब्जेक्ट कौन है, हायर इंसिडेंस, हाई इंसिडेंस, इंसिडेंस आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रेश पोलिंग मतलब क्या है, फिर नए सिरे से चुनाव। फ्रेश पोलिंग मतलब नए सिरे से चुनाव है टू बी ऑर्डर्ड, किए जाने होंगे, मतलब नए सिरे से जो चुनाव है उनका फिर से आदेश देना पड़ेगा। इन डजन्स ऑफ बूथ्स मतलब दर्जनों बूथ्स में, इन कैराना में, एंड भंडारा गोंदिया और भंडारा गोंदिया में, इन उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली, पहले उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, मतलब कैराना उत्तर प्रदेश में ऑर्डर देना पड़ेगा और जो भंडारा गोंदिया है महाराष्ट्र में, वहां पर इन्हें फिर से नए सिरे से दर्जनों बूथों पर फिर से फ्रेश पोलिंग के ऑर्डर देने पड़ेंगे एज ए क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंस, मतलब परिणाम स्वरूप, मतलब जो इतनी सारी इंसिडेंस ऑफ ग्लीचेज हुई इसके परिणाम स्वरूप इनको क्या करना पड़ेगा, कि एज ए इंसिडेंस अगर आप यहाँ पे डाल दें एज ए इंसिडेंस फ्रेश पोलिंग, तो मतलब कहने का कि इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप जो कैराना में और भंडारा गोंदिया है यहाँ पर दर्जनों बूथों में क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से चुनाव के आदेश देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एवर सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीवीटी पैट मशीन लास्ट ईयर, मतलब जब से इम्प्लीमेंटेशन लागू हुआ वीवीपैट सिस्टम जब से लागू हुआ लास्ट ईयर पिछले साल, तब से क्या है, मशीन मेलफंक्शन, जो मशीनों में छेड़छाड़ी है, एंड सब्सिक्वेंट डिलेज, और लगातार होने वाली देरी इन पोलिंग, मतलब चुनावों में लगातार होने वाली देरी और मशीनों में होने वाली छेड़छाड़ी हैव बीन रिकरिंग इश्यूज, वो क्या है, बार बार उठने वाले मुद्दे बन गए हैं। ठीक है, मतलब कहने का जब से वीवीपैट मशीन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ चुनाव में पिछले साल, तब से लेकर के मशीनों की मेलफंक्शन, मतलब मशीनों के में छेड़छाड़ कर होना, और सब्सिक्वेंट डिलेज, और लगातार चुनाव की प्रक्रिया में देरी होना, ये हैव बीन रिकरिंग इश्यूज, ये बराबर के बार बार आने वाले मुद्दे, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग इश्यूज हो गए हैं, बार बार घटित होने वाले मुद्दे बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो घटनाएं कौन से हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीवीपैट सिस्टम और मतलब एवर सिंस, जब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ वीवीपैट सिस्टम का, तब से मशीन मेल फंक्शन एक घटना ये, और सब्सिक्वेंट डिलेज, तो दो चीज़ें हो गई एंड से जुड़ी हैं, इसलिए आपका आप हैव आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्लोज टू 4.2%
4.2% के नज़दीक ऑफ द वीवीपैट मशीन्स डिप्लॉयड इन कर्नाटक असेंबली इलेक्शन, मतलब कहने का 4.2% के आसपास वीवीपैट जो मशीन थी वो डिप्लॉयड, वो तैनात की गई थी या लगाई गई थी इन द कर्नाटक असेंबली, मतलब कर्नाटक असेंबली में। जैसे कोई सोल्जर होता है उसे डिप्लॉय करना है किसी बॉर्डर पे, तो आप डिप्लॉय कर देते हो, तैनात करने के लिए डिप्लॉय ऑर्डर देते हो। और मशीन लगाने के लिए भी डिप्लॉय आता है, खंभा लगाने के लिए क्या आता है, खंभा लगाने के लिए इंस्टॉल वर्ड आती है, इंस्टॉल वर्ब आई है ना, इंस्टॉल द पोल है ना, मतलब कि इंस्टॉल खंभा लगा देना, तो वो मतलब कहने का कि आपको पर्टिकुलर वर्ब याद होनी चाहिए। वर्ब पे क्वेश्चन बनते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे, है ना, आपको चार वर्ब दे देगा, देखना होगा आपको भरना पड़ेगा कौन सी वर्ब अच्छी है। तो वही चीज़ है, क्लोज टू 4.2%, लगभग 4.2% के आसपास जो वीवीपैट मशीन थी और जो कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में लगाई गई थी इस महीने, डेवलप्ड ग्लिचेस, उनमें क्या आ गई, अड़चने आ गई, उनमें क्या कमियां आ गई ड्यूरिंग द टेस्टिंग, जब उन्हें टेस्ट किया गया, एज वेल एज उसके साथ साथ पोलिंग प्रोसेस, और कुछ में तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान कमियां आ गई। मतलब कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में जो 4.2% के आसपास वीवीपैट मशीन लगाई गई थी इस महीने, तो उसमें क्या कुछ में तो कमियां आ गई, और जो बाकी थी उनमें चुनाव प्रक्रिया, मतलब एक कुछ में तो टेस्टिंग के दौरान ही कमी आ गई, और कुछ जो थी उनमें पोलिंग प्रोसेस के दौरान कमी आ गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द ओवरऑल फॉल्ट रेट, जो पूरा का पूरा कमी का दर है, कमी की दर मतलब त्रुटि में प्रॉब्लम ग्लिचेस रेट है, वाज एज हाई एज, लगभग कितना था, ज़्यादा से 11.6% था इन द बाई इलेक्शन, मतलब उपचुनाव में। सोचिए कि 11.6% का फॉल्ट रेट था, मतलब इतनी तो फॉल्ट हुई, कहीं 22 हुई होगी तो कहीं पे 6 हुई होगी, कहीं पे 2 हुई होगी, लेकिन अगर एवरेज निकालें तो फॉल्ट रेट कितना है, 11.6%, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर 10,000 वोट पड़े तो आप समझिए कि 10,000 में कितने 1100 वोट में फॉल्ट निकल गया आपका, है ना, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है फॉल्ट रेट, एक वोट से तो आदमी हार जीत जाता है। द ओवरऑल फॉल्ट रेट वॉज एज हाई एज 11.6% इन बाई इलेक्शन हेल्ड इन 4 पार्लियामेंट्री एंड 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन मंडे, मतलब कहने का जो फॉल्ट रेट था वो लगभग 11.6% था लगभग सभी इन द बाई इलेक्शन, उन सभी चुनावों में, उपचुनाव में, बाई इलेक्शन मतलब उपचुनाव में हेल्ड इन, जो कि आयोजित किए गए थे 4 पार्लियामेंट्री, लगभग 4 संसदीय एंड 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और 9 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव उपचुनाव हुए थे उनमें 11.6% लगभग फॉल्ट रेट था, और हुए कब थे, ऑन मंडे, प्रीपोजिशन मंडे का ऑन, ये ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की स्पेलिंग देख लीजिए, TITUEN होता है ना, और CY होगा या फिर CIES होगा। पार्लियामेंट्री की स्पेलिंग आप देख लीजिए, ये पार्लियामेंट्री MTARY होगा कि TERY होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें आपको लगातार देखती रहनी है ना। अब बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव होता है, बाकी आप जान ही गए। ठीक है, एज हाई एज, आपको मैं बता दूं कि एज एज या सो एज के बाद SSC ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपेरेटिव डिग्री बना देते, बीच में लिख देता है, मैं बता देता हूँ, एज और एज, एज डैश एज के जब कंस्ट्रक्शन आता है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, एज हाई एज ये बिल्कुल ही करेक्ट है, अगर आप एज हाइयर एज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, कंपेयर करने का सेंस जरूर देता है लेकिन कंपेयर डिग्री नहीं होता ये, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री नहीं होता, इसलिए आपको सिंपल डिग्री में रखना है, पॉजिटिव डिग्री में, इसलिए एज हाई एज होगा, एज हाइयर एज या एज हाईएस्ट एज, ये दोनों ही गलत है, एज हाई एज होगा। ठीक है, SSC ने इसमें बराबर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया है दैट कि दीज मशीन्स वेयर, ये मशीनें वेयर थी मोर प्रोन, बहुत ही आसानी से मैल फंक्शनिंग, मोर प्रोन टू मैल फंक्शनिंग, मतलब आसानी से छेड़छाड़ की जाने वाली, ड्यू टू किस कारण से, देयर सेंसिटिविटी, इनकी संवेदनशीलता, टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चरम जो मौसम की हालात हैं उनके उनको देखते हुए, एंड एक्सपोजर टू लाइट, और खुली प्रकाश में इनको रखने से, मतलब खुले प्रकाश में और जो मौसम की कंडीशन है इनकी संवेदनशीलता को देखें तो इन मशीनों में आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया, ऐसा कहा। इट आल्सो ब्लेम्ड, और इसने ये भी आरोप लगाया, इट आल्सो ब्लेम्ड द रिलेटिव इनएक्सपीरियंस, मतलब अपेक्षाकृत इनएक्सपीरियंस, कम अनुभव होना ऑफ पोलिंग ऑफिसर, मतलब चुनाव अधिकारियों का, इसने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी जो हैं उनको अपेक्षाकृत कम अनुभव है हैंडलिंग दम, इनको हैंडल करने में, वीवीपैट को हैंडल करने में अपेक्षाकृत जो पोलिंग ऑफिसर हैं उनको कम अनुभव है, कंपेयर टू किसकी बदले, कंपेयर टू बैलेट एंड कंट्रोल यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जो बैलेट और कंट्रोल यूनिट लगाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में, उनको कंट्रोल करने की अपेक्षा
इनको जो है ये वीवीपैट को कंट्रोल करने में थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, मतलब कम अनुभव है, ऐसा इसने इलेक्शन कमीशन ने आरोप भी लगा दिया। ठीक है, द टेक्निकल कमिटी जो तकनीकी समिति थी ऑफ द ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इज नाउ फेस्ड विथ अ चैलेंज। अब वो एक चुनौती झेल रही है टू इंश्योर कि ये सुनिश्चित करने की दैट की द वीवीपैट मशीन होल्ड अप, कि क्या वीवीपैट मशीन बनी रहेगी विद द जनरल इलेक्शन आम चुनाव में भी ड्यू जो कि अभी शेष हैं नेक्स्ट ईयर अगले साल इन ए हॉट समर मंथ, मतलब गर्मी के मतलब मीनिंग देखेंगे तो टेक्निकल कमेटी ऑफ द ईसीआई नाव, मतलब कहने का कि जो टेक्निकल कमेटी है ईसीआई की वो अब उसके पास ये चुनौती है। टेक्निकल कमेटी होती क्या है, जो टेक्निकल इश्यूज को दूर करती है, इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल इश्यूज को दूर करने वाली ईसीआई की टेक्निकल कमेटी हो गई। तो ईसीआई की जो टेक्निकल कमेटी है अब उसके पास ये चुनौती है कि वो सुनिश्चित करे कि क्या वीवीपैट मशीन को बनाए रखना है उन आम चुनावों में भी जो कि अगले साल होने हैं बिल्कुल तेज गर्मी के महीने में। फिर आगे पढ़ते हैं, द वीवीपैट वाज एडेड टू द ईवीएम, जो वीवीपैट मशीन है वाज एडेड, उसे जोड़ा गया था ईवीएम में टू ऑडिट, यह जांच करने के लिए द वोटर टैलीज स्टोर्ड इन द मशीन, जो वोटर टैलीज हैं वो स्टोर्ड इन द मशीन, जो वोटर आप वोट डाल रहे हो वो सारी चीज़ें मशीन में स्टोर हो रही हैं कि नहीं, कुछ ऐसा प्रोसेस था वीवीपैट का। तो वीवीपैट के बारे में और आप अच्छे से नेट में पढ़ लेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो वीवीपैट मशीन जो है इनके ऑडिट के लिए, इनकी जाँच के लिए ईवीएम से इन्हें वीवीपैट को मशीन को जोड़ा गया था। इट्स यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन, और इसे एक सिरे से लागू कर दिया गया था, विच बिगन, जो कि शुरू हुआ इन गोवा, गोवा असेंबली इलेक्शन से इन फरवरी 2017 में गोवा के विधानसभा चुनाव हुए और वहां के विधानसभा चुनाव से ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ा गया। ठीक है, वाज डीम्ड नेसेसरी, और ये आवश्यक समझ लिया गया था, डीम्ड नेसेसरी अत्यंत आवश्यक समझ लिया गया था एज मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि बहुत सारी जो चुनावी पार्टियां थी कंप्लेन की थी, मतलब कहने शिकायत दर्ज की थी अबाउट द पॉसिबल हैकिंग, कि संभावित हैकिंग हो रही है ऑफ ईवीएम, मतलब ईवीएम मशीन की, मतलब कहने का कि बहुत सारे जो चुनावी पार्टियां थी उन्होंने ये कंप्लेन की थी कि ईवीएम में हैकिंग हो रही है, इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो गया था कि वीवीपैट को आप इनसे जोड़ दीजिए, ईवीएम मशीन से जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, दीज कंप्लेन, ये शिकायतें लैग्ड एनी बेसिस, इनमें लैग्ड एनी बेसिस कोई भी आधार नहीं था, मतलब आधार की कमी थी इसमें, इन शिकायतों में ठोस आधार की कमी थी, बट लेकिन द वीवीपैट इम्प्लीमेंटेशन, जो वीवीपैट का जो लागू करना वीवीपैट को लगा देना जो था, वाज हास्टेन, हैसेन मतलब हो गया, बहुत जल्दी कर दिया गया था टू ब्रिंग बैक ट्रस्ट, ताकि विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सके इन इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया में। वीवीपैट को इसलिए इतने जल्दी से लागू कर दिया गया था क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में फिर से विश्वास को वापस लाना था। ठीक है, आप यहाँ कुछ सीख लीजिए, कंप्लेन होता है ना, COMPLAINT, IAINT जो होता है ये टी लग जाता है जब लास्ट में, तो कंप्लेंट ये एक नाउन होता है। ठीक है, अगर टी नहीं लगाते हैं, कंप्लेन सिर्फ लिखते हैं LAIN, तो वहाँ पर कंप्लेन जो होता है ये आपकी वर्ब होती है, तो वर्ब और नाउन का सोच समझ के आप यूज़ करें। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज है, इसके बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो नाउन में आपको कंप्लेंट चाहिए, टी लगना चाहिए लास्ट में, अगर टी नहीं लगेगा तो वर्ब हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि वर्ब क्या है, लैक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी जो है वो याद रखनी है। कंप्लेन इसी में क्वेश्चन बनता है एसएससी में कि यहाँ वर्ब चाहिए थी वहाँ पर नाउन डाल दिया, आपने कभी ध्यान दिया नहीं है तो आपका ध्यान जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान यहाँ भी देते रहना ताकि आप स्पॉटिंग एरर में एग्जाम में भी ध्यान दे पाएँ। इन ऑल इलेक्शंस, सभी चुनावों में, वेयर इट हैज़ बीन यूज, जहाँ पर इसका प्रयोग किया गया, इसका मतलब वीवीपैट का, इन सभी चुनावों में जहाँ पर वीवीपैट का यूज़ किया गया, द वीवीपैट टैलीज हैव मैच्ड विद द ईवीएम काउंट्स, जो वीवीपैट के जो टैली जो आंकड़े थे हैव मैच्ड, उन्होंने मैच किया है विद द ईवीएम काउंट से, मतलब जितनी ईवीएम में गिनती थी उतना वीवीपैट के टैलीज में भी गिनती थी। ठीक है, बट फॉर अ स्ट्रे केस और टू, लेकिन एक से दो जो मामले थे वैन वीवीपैट मशीन, जहां पर वीवीपैट मशीन वाज नॉट रीसेट, उसको रीसेट ही नहीं किया गया था बिफोर पोलिंग अगेन, फिर से चुनाव के लिए,
मैं बता दूं रिसेट करना क्या होता है, आपको भी पता है, जैसे स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच को आपने यूज किया, अब उसे फिर से यूज करना है तो फिर से जीरो में लाने के लिए क्या करोगे आप उसका रिसेट का बटन दबाते हो ताकि वो फिर से जीरो में आ जाए, फिर से सुचारू रूप से काम करने लगे। तो वही चीज थी कि वीवीपैट मशीन में किसी चुनाव के आंकड़े रहे होंगे और उन्होंने बिना उसे रिसेट किए ही यूज कर लिया पोलिंग में, और इसलिए उसके नतीजे बहुत ही बुरे हो गए, है ना। तो वो चीज होता है, तो एक से दो मामले आए थे ऐसे जहां पर रिसेट किए बिना उसे पोलिंग में फिर से यूज कर लिया गया था, बाकी नहीं आया था। बाकी में तो वीवीपैट का टैली और ईवीएम की काउंट दोनों ही सेम थे, ठीक है। इन एडवर्टेंटली अनजाने में द यूज ऑफ दीज मशीन, इन मशीनों का प्रयोग, विच आर एडजंक्ट्स टू द बैलेट, जो कि जुड़ी होती हैं बैलेट एंड कंट्रोल यूनिट्स ऑफ ईवीएम, मतलब अनजाने में इन मशीनों का प्रयोग जो कि ईवीएम से बैलेट और कंट्रोल यूनिट से जुड़ी रहती हैं, बैलेट ईवीएम की बैलेट और कंट्रोल यूनिट से जुड़ी रहती हैं, हैज़ एडेड टू द कम्प्लेक्सिटी, उसने जटिलता को बढ़ा दिया, ऑफ एन अदरवाइज सिंपल, जो कि पहले से एक सिंपल सिंगल प्रोग्रामेबल चिप थी, बेस्ड सिंगल प्रोग्रामेबल चिप थी, मतलब एक ही प्रोग्राम बेस पे आधारित एक तंत्र था, उसकी जटिलता को बढ़ा दिया, एंड रेंडर्ड और दिया ईच, मतलब इसे प्रोन टू मोर ग्लिचेस, और भी ज़्यादा त्रुटियों का शिकार बना दिया। मीन्स कहने का अनजाने में एक ऐसी मशीन का प्रयोग ने जो है इस मशीन के वीवीपैट मशीन के प्रयोग ने हैज़ एडेड टू कम्प्लेक्सिटी, हमारी जटिलता को भी बढ़ा दिया। जटिलता कौन सी? एक सिंपल प्रोसेस की, और वो सिंपल प्रोसेस क्या थी? एक सिंगल प्रोग्रामेबल चिप बेस्ड सिस्टम था ईवीएम का, उसकी जटिलता को भी बढ़ा दिया, एंड रेंडर्ड और दे दिया इट इसे प्रोन टू मोर ग्लिचेस, और भी ज़्यादा अड़चनों का शिकार बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, ठीक है। तो आपको ये चीज़, इसका अपोजिट डिलिबरेटली सेंस में आता है, तो आपको ये चीज़ वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ दीज मशीन्स, और फिर कॉमा से इसने पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद ये हैज आ गया। हैज किसके लिए आया? पहले नाउन यानी यूज के लिए आया। यूज किनका? यूज इन मशीनों का यूज। तो ऑफ प्रीपोजिशन इसके पहले वाला नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यूज के साथ जो है ये आपका हैज आया। यूज ऑफ दीज मशीन हैज एडेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अदरवाइज सिंपल सिंगल प्रोग्रामेबल सिस्टम, एंड रेंडर्ड, ये रेंडर्ड में वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों आई? हैज एडेड एंड हैज रेंडर्ड, ये रेंडर्ड हैज से जोड़ के पढ़ लीजिए आप, ठीक है। मतलब कहने का जटिलता को भी बढ़ा दिया, एंड हैज रेंडर्ड और उसे दे दिया प्रोन टू मोर ग्लिचेस, ज्यादातर और भी अड़चनों का शिकार। तो ऐसे हैंडर्ड रेंडर्ड में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसीलिए क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देयर इज इनफ एम्पिरिकल, आगे पढ़ते हैं इसे, देयर इज इनफ एम्पिरिकल एविडेंस, पर्याप्त मात्रा में एम्पिरिकल ठोस ऐसे सबूत हैं। एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है प्रयोगों के साक्ष्य, प्रयोगों के आधार पर सबूत मिलना, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पर आपको एविडेंस मिले। तो देयर इज इनफ एम्पिरिकल एविडेंस, पर्याप्त मात्रा में सबूत हैं टू शो, ये दिखाने के लिए दैट ईवीएम हैज ईज्ड पोलिंग, कि ईवीएम मशीन ने चुनावी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस बात के बहुत सबूत हैं कि ईवीएम मशीन ने जो चुनावी प्रक्रिया है उनको आसान बना दिया है, एंड हेल्प्ड और सहायता की है इंक्रीज वोटर्स, मतलब मतदाताओं को वोटर टर्नआउट, मतलब मतदाताओं का जो मतदान है उसको बढ़ाने में भी हेल्प की है। सिंस तब से जब से उसे प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, बींग पुट टू यूज मतलब प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ईवीएम मशीन ने निश्चित रूप से बहुत ही ये साक्ष्यों के आधार पर, मतलब ऐसे साक्ष्य से स्पष्ट होता है, साक्ष्य दिखाते हैं दैट कि जो ईवीएम मशीन है उसने चुनावी प्रक्रिया को ईज कर दिया है, आसान कर दिया है, और मतदान को भी बढ़ाया है जब से कि उसे प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया इसका। अब आगे आपको पढ़ना है, बट लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि प्रोन के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन फिक्स है, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं, बट इन यूजिंग वीवीपैट मशीन, लेकिन अगर वीवीपैट मशीन को यूज करते हैं टू रीअसियू सेप्टिक्स, लेकिन अगर हमने यूज किया वीवीपैट मशीन को टू रीअसियू सेप्टिक्स, कुछ संदेहवादियों को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए। सेप्टिक्स होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, सेप्टिक का मतलब होता है संदेहवादी, ऐसे व्यक्ति जो संदेह करते रहे, है ना, मतलब कि प्रोसेस सही हो ही नहीं रहा है, ये है वो है, गुनगान करते रहे दुनिया भर का। तो उन संदेहवादियों को अगर फिर से भरोसा दिलाने के लिए वीवीपैट का मशीन जो किया गया अबाउट एन इलेक्शन इंटीग्रिटी, सेप्टिक्स
मतलब रीअश्योर सेप्टिस्ट, ताकि संदेहवादियों को भरोसा दिलाया जा सके अबाउट एन इलेक्शन इंटीग्रिटी, चुनाव की अखंडता पर, उसकी पवित्रता पर। तो इलेक्शन कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू एलिमेंट, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया तत्व को इंट्रोड्यूस किया गया था, लगाया था। मतलब कहने का कि निश्चित रूप से ईवीएम ने पोलिंग को टाइम को तो बचाया था और वोटिंग के मतदान को भी, मतलब वोटर्स को भी बढ़ाया था जब से यूज़ किया जा रहा था, लेकिन वीवीपैट मशीन को लगाने का जो कारण था वो क्या था? वो उन संदेहवादियों को भरोसा दिलाना था जो कि इलेक्शन कमीशन की अखंडता पे संदेह करते थे, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने लगाया था एक नए तत्व का एंड नए एंड कॉस्ट, और एक नया खर्च भी वहन किया था टू द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। कंसिडरिंग दीज चैलेंज, इन चुनौतियों को पर विचार करते हुए, द इलेक्शन कमीशन शुड, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कंसीडर, विचार करना डिप्लॉइंग द वीवीपैट मशीन, कि वो वीवीपैट मशीन को डिप्लॉय करे, लगाए इन ए लिमिटेड, सीमित जगह पर, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, जहाँ पर आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हो वहाँ पर, एंड रैंडमली चूजन, और यादृच्छता, मतलब अचानक से चूज किए गए सेट ऑफ पोलिंग बूथ्स, जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर। मतलब कहने का इन चैलेंजेस को अगर विचार करें तो इलेक्शन कमीशन को अब क्या चाहिए कि उसे वीवीपैट को मशीन को लगाना चाहिए, पहली बात तो सीमित क्षेत्रों पर, और फिर दूसरा ऐसी जगह पर जहाँ पर आंकड़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो या ज़्यादा मतदान हो, कुछ इस तरह से वहाँ पर लगाना चाहिए। एंड रेंडमली चूजन बूथ और सेट ऑफ रेंडमली चूजन सेट ऑफ पोलिंग बूथ, और अचानक से यादृच्छता, किस कहीं से भी चूज किए हुए पोलिंग बूथ पर, मतलब ये ना कि यहाँ यहाँ लगाना है, कहीं से भी किसी पर भी लगा दे, है ना, रैंडमली लगाना है, ठीक है। दिस विल रिड्यूस, ये कम कर देगा द पॉसिबिलिटी ऑफ, संभावनाओं को ऑफ ग्लिचेस, मतलब अड़चनों की, ये अड़चनों की जो अड़चनें और त्रुटियाँ आ रही हैं इनकी संभावना को कम कर देगा। कैसी अड़चनें? अफेक्टिंग द पोलिंग प्रोसेस, जो कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभाव कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, एज क्योंकि, मतलब कहने का कि अगर हम ऐसा प्रोसेस करते हैं रैंडमली चूज करके और वहाँ पर वीवीपैट मशीन लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अड़चनों की संभावनाओं को कम कर देगा चुनाव प्रक्रिया में, क्योंकि वेल टेस्टेड मशीन, जो अच्छे से टेस्टेड मशीन होंगी, कुड बी डिप्लॉयड, उन्हीं को लगाया जाएगा विथ इनफ रिप्लेसमेंट, जिसमें पर्याप्त मात्रा में रिप्लेसमेंट भी होगा, एल्सो हैंडी, मतलब उपलब्ध, मतलब कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें रिप्लेसमेंट की भी उम्मीद रहेगी टू सच बूथ्स, ऐसे बूथ्स में, है ना, क्योंकि वीवीपैट मशीन पर्याप्त उपलब्ध रह पाएगी, है ना। द करेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, वर्तमान समय का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, आफ्टर ऑल पूरी तरह से ओनली इन्वॉल्व, इसमें केवल शामिल है द काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, इसमें वीवीपैट की स्लिप्स जो होती हैं उनकी काउंटिंग है, बाय रैंडमली चूजिंग वन बूथ, मतलब कहने का रैंडमली रूप से चूज कर लिया जाता है वन बूथ को फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, हर एक विधानसभा क्षेत्र से। एंड दिस चेक, और इस प्रकार का चेक शुड नॉट बी अफेक्टेड, इसको प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए ड्रास्टिकली, मतलब अचानक से, बाय द न्यू मेथड, नए नए तरीके से। मतलब आप यहाँ समझिए कि वर्तमान समय में वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस चलता है, तो वीवीपैट मशीन तो हर जगह लगाते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स बाय रैंडमली चूजिंग, किसी भी एक बूथ से, मतलब किसी भी एक कंस्टिट्यूएंसी से कोई एक बूथ चुन करके वहाँ पर रैंडमली वीवीपैट की स्लिप्स को काउंट कर लिया जाता है और उसी से चेक कर लिया जाता है, अगर वो सही है तो बाकी भी सही है, नहीं तो बाकी में भी शक हो जाता है, ठीक है। अगर एक ओके तो फिर आगे सबको हम ओके कर देते हैं, ये चीज़ होती है। तो एंड दिस चेक, और इस प्रकार का जो निर्धारण है, इस प्रकार का चेक है, शुड नॉट बी अफेक्टेड, इसे प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए अचानक से बाय दिस न्यू मेथड। मतलब कहने का कि हम ये तो कर रहे हैं कि रैंडमली हम बूथ पे, मतलब पोलिंग बूथ पे वीवीपैट मशीन लगाएं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी काउंटिंग थी रैंडमली वाली, वो प्रोसेस बिल्कुल सही था, उस पर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा और इंजॉय भी किया होगा आपने। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।